पम्पकिन का ये टेस्टी रेसिपी आप लोग ज़रूर बनाइए। अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में वीडियो को फुल वॉच कीजिए। अगर अच्छा लगे तो मुझे कमेंट एंड लाइक ज़रूर कीजिए। पम्पकिन जिसको पसंद नहीं है वो भी ये रेसिपी अगर आप बनाओगे बहुत अच्छे से खाएगा, इसलिए आपको पम्पकिन का ये टेस्टी रेसिपी ज़रूर ट्राई करना होगा। पहले वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, इसके बाद आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू टिकनाज कुकिंग वर्ल्ड। आज मैं पम्पकिन का एक बहुत टेस्टी रेसिपी बना के दिखाऊंगी। ये देखिए, पम्पकिन को मैं दो हिस्सा कर लिया हूँ। आज मैं इसका बहुत टेस्टी रेसिपी बनाऊंगी, वो भी बिना प्याज लहसुन के। आज फ्राइडे है, शुक्रवार है, उस दिन मैं प्याज लहसुन नहीं खाती हूँ, टमाटर भी नहीं खाती हूँ, क्योंकि संतोषी माँ का जो पूजा मैं करती हूँ इसलिए मैं ये सब नहीं खाती हूँ। आज इसलिए मैं ये व्रत वाली पम्पकिन का टेस्टी रेसिपी बनाऊंगी। इसके लिए मैं एक बड़ा सा पम्पकिन को दो हिस्सा कर लिया हूँ, और यहाँ पर मैं जो जो सामान लिया हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं पम्पकिन को अच्छे से इस तरह की कट कर लिया हूँ, देखिए, और एक बड़े साइज़ के बैंगन को भी इस तरह की कट किया हूँ। और मेरे पास लकी था इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा लकी मिलाई हूँ, और एक बड़े साइज़ के आलू को भी इस तरह की कट कर लिया हूँ। और ये ड्रम स्टिक है, सहजन की जो स्टिक है, इसको मैं इसके साथ आज मिला के बनाऊंगी। और मसाला में मैं भी यहाँ अदरक और जो देखिए अदरक और जो हरे मिर्च का, इसको मैं अच्छे से कूट के रखा हूँ। और हमें लहसुन प्याज तो नहीं चाहिए इसलिए मैं अदरक और हरी मिर्च को अच्छे से कूट के लिया हूँ। और हमें तेजपत्ता चाहिए, इसके साथ हमें व्हाइट मटर को मैं 6-7 घंटे के लिए भिगो के रखी थी, इसको इसके साथ मैं डालूँगी। और हमें पंचफुटन चाहिए, मस्टर्ड ऑयल चाहिए, जीरा का पाउडर चाहिए, हल्दी और नमक चाहिए, और एक चीज़ भी चाहिए हमें। आप वीडियो को फर्स्ट से एंड तक ज़रूर देखिए, आपको पता चल जाएगा इसमें मैं क्या मिलाई हूँ, जो कि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा लेगा, बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए आप वीडियो को फर्स्ट से ज़रूर देखिए, स्किप मत कीजिए। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। पम्पकिन की ये रेसिपी के लिए कढ़ाई हीट हो गया है, अभी मैं मस्टर्ड ऑयल डालूँगी। आप अपनी वेजिटेबल के हिसाब से ऑयल डालिए। मैं यहाँ 2 बड़ा चम्मच ऑयल लिया हूँ। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए हम पंचफुटन डालेंगे। यहाँ मेरा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, मैं पंचफुटन डालूंगी। 1 बड़ा चम्मच पंचफुटन चाहिए हमें। पंचफुटन साथ में मैं जो बताई थी आपको ये मसाला, ये है, इसे चांदनी बोलते हैं। ये देखिए, इस ये मार्केट में भी इजीली मिल जाता है। इस रेसिपी के लिए आप इसे बिना प्याज लहसुन के लिए इसे यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद आप तेज़पत्ता को डालिए, और ये जो अदरक और हरे मिर्च का पेड़ कुटा हुआ था इसको डाल लीजिए। इसे थोड़ी देर, अदरक को तो ज़्यादा भुनना नहीं है हमें, 1 मिनट के लिए इसे इस तरह चलाएंगे। उसके बाद हम व्हाइट मटर को इसमें डाल देंगे। इसके बाद जो हमें सब वेजिटेबल्स रखे थे, पम्पकिन और लक्की, आलू डाल देंगे। लास्ट में हम जो ड्रमस्टिक और बैंगन को डालेंगे थोड़ी देर में, थोड़ा पकने के लिए। अभी हम पम्पकिन, आलू और
लौकी को अच्छे से धो के डाल लेंगे। अभी उसे अच्छे से मिला के नमक और हल्दी डाल लेंगे। अभी इसमें मैं हल्दी नमक डाल लूँगी। नमक स्वाद के अकॉर्डिंग डालेंगे। फिर इसे मिलाएंगे। 2 मिनट ढक्कन लगा देंगे, उसके बाद चेक करेंगे। अभी पम्पकिन और आलू थोड़ा सा पक गया है। अभी मैं बैंगन और ये जो ड्रमस्टिक को डालेंगे। उसे भी अच्छे से मिलाएंगे। अभी देखिए वेजिटेबल्स के अंदर में, सब्जी के अंदर में पानी है, तो इसलिए मैं यहाँ पानी अभी नहीं डाली हूँ। फिर इसे ढक्कन लगा देती हूँ। 5-10 मिनट के बाद मैं चेक करूँगी अच्छे से पक गया कि नहीं। उसके बाद हम और जो मसाला है उसे डालेंगे। ध्यान रखें आपको गैस की फ्लेम को थोड़ी देर लो कर लेना है, क्योंकि सब्जी इसमें अच्छे से बॉयल होगा। अभी हम चेक करेंगे, देखिए सब्जी के अंदर में कितना पानी है। अब हम फिर इसे ऊपर नीचे कर लेंगे। अभी थोड़ी देर ये बॉयल होगा। आलू थोड़ा बॉयल हो गया है और थोड़ा बॉयल होगा, इसलिए हमें फिर इसे ढक्कन लगा देना है। वही वाला लो फ्लेम में उसे रखना है। अभी मैं ढक्कन हटा के देख चेक करूँगी हमारा ये सब जो वेजिटेबल्स है, सब्जी है, अच्छे से पका कि नहीं। हाँ, अच्छे से बॉयल हो गया है। अब मैं लास्ट में डालने के लिए रखी थी यहाँ ड्राई चिल्ली और तेजपत्ते जीरा पाउडर, उसे चुटकी भर डालूँगी, क्योंकि हमें ग्रीन चिल्ली डाले थे। अभी मैं यहाँ सिर्फ जो होममेड भुने हुए जीरा पाउडर, इसका टेस्ट वो बहुत ज़्यादा बढ़ा लेगा, इसलिए हमें ये होममेड जीरा पाउडर डालना है भुना हुआ। अभी मैं उसे अच्छे से मिला लूँगी। सब वेजिटेबल्स हमारा अच्छे से बॉयल हो गया है। अभी मैं सबको अच्छे से इस तरह मिला लूँगी और गैस अप कर लूँगी। बिना प्याज लहसुन के ये टेस्टी रेसिपी आप लोग को बहुत टेस्टी लगेगा। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। जिस तरह मैं बनाई हूँ उसी तरह बनाइए। अभी गैस को फ्लेम को अच्छे से हाई कर लेंगे और 2 मिनट के बाद उसे अप कर लेंगे। देखिए वेजिटेबल्स के अंदर का जो पानी था उसी में ये सब बॉयल हो गया है, अच्छे से सब्जी बन गया है। मैं बिल्कुल पानी नहीं डाली हूँ। आप लोग भी मेरी तरह बनाइए, पानी बिल्कुल मत डालिए। जो जो मैं ट्रिक्स एंड टिप्स बताई हूँ उसे फॉलो कीजिए। आपकी ये सब्जी बिना प्याज लहसुन के बहुत अच्छा रहेगा। ये देखिए मेरा ये रेसिपी बिल्कुल रेडी है। अभी मैं सर्व करूँगी, गैस ऑफ कर लूँगी।
ये मेरी पम्पकिन का बिल्कुल टेस्टी रेसिपी बनके रेडी है। आई होप आप सबको अच्छा लगेगा। इसको आप राइस के साथ, रोटी के साथ खा सकते हैं, वाटर राइस के साथ भी खा सकते हैं। आप जिस दिन प्याज लहसुन नहीं खाते हैं उसी दिन तो अच्छी तरह से खा सकते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। अच्छा लगे तो पम्पकिन का ये टेस्टी रेसिपी आप लोग मुझे कमेंट में बताइए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।